गर्भवती महिला को गुना से भोपाल ले जा रही संजीवनी 108 के स्टाफ की सजगता दिखाते हुए एम्बुलेंस में ही कराई महिला की डिलीवरी। महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ने पर परिजनों की रजामंदी के साथ ये प्रसव कराया गया। वहीं 108 जिला अधिकारी शिवकांत उपाध्याय से मिली जानकारी के अनुसार हीराबाई पत्नी लाड सिंह तंवर निवासी बीनागंज तहसील चाचोड़ा शुक्रवार सुबह प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी तो पत्नी को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने मरीज का बच्चा गर्भ में असामान्य स्थिति में था। इस स्थिति में बच्चे का एक हाथ और सर बाहर आ रहा था, जिसके बाद डॉक्टर ने 108 को कॉल कर उसे भोपाल रेफर किया। जैसे ही केस गुना के ALS एम्बुलेंस को मिला तो वह तुरंत अस्पताल पहुंचकर पेशेंट को लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गए। बीच रास्ते में ब्यावरा के पास ही महिला को दर्द बढ़ने लगा। उसकी हालत देखते हुए वह भोपाल नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा सोचकर एम्बुलेंस के स्टाफ ने महिला के परिजनों से बात की एवं समझाइश देकर रास्ते में ही प्रसव कराना उचित समझा, जिसमें परिजन व पायलट संतोष पाठक भी विशेष सहयोगी रहे। महिला ने स्वस्थ बालक को जन्म दिया। इसके बाद महिला को सुल्तानिया अस्पताल भोपाल में भर्ती करा दिया गया, जहां जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब डिलीवरी 108 के अंदर कराई गई तो वह क्या हॉस्पिटल में नहीं कराई जा सकती थी, या फिर ये कहें कि जिस डॉक्टर ने पेशेंट को वहां से रेफर किया है उसको इतना जानकारी नहीं थी कि वे बच्चे का प्रसव वहां करा सके, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक बच्चा असामान्य था।